हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल मैक्रोस उसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो आप मैक्रोस को कोडिंग के जरिए भी क्रिएट कर सकते हो, बट इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि सिंपली एक मैक्रोस को कैसे रिकॉर्ड करके कैसे रन किया जाता है। पर उससे पहले मैक्रोस के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्रोस होते क्या हैं। मैक्रोस, इफ यू हैव टास्क in LibreOffice Calc that you do repeatedly, you can record a macro to automate those tasks. मतलब कुछ ऐसे कार्य हैं यदि आपके पास जिन्हें आपको LibreOffice Calc में बार बार करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप हर महीने का अपने खर्चे का एक शीट बनाते हो कि जनवरी के महीने में आपने कितना खर्चा किया, फरवरी में कितना किया, मार्च में कितना किया। तो जनवरी में जो भी आपने अपनी खर्चे की लिस्ट बनाई, बाद में उसको टोटल किया कि हाँ मेरा इतना खर्चा बना। अब वो जनवरी की शीट में आपने जो भी फार्मूला लगाया खर्चा देखने के लिए कि आप कितना खर्चा करते हो, अब वही सेम चीज़ आपको फरवरी माह में भी करना है। वैसे ही फरवरी माह की लिस्ट बनानी है, फिर उसमें आपको चेक करना है कि आपने कितना खर्चा किया, उसके लिए वही फार्मूलेज फिर से अप्लाई करने हैं जो आपने जनवरी माह की शीट पर किए थे। तो एक कार्य जो आपको बार बार करना पड़ता है, बजाय कि आप हर शीट पर जाओ और अलग से फार्मूला बनाओ, क्रिएट करो, लिखो उस फार्मूले को, तो मैक्रोस हमें एक बहुत ही आसान तरीका प्रोवाइड करते हैं। जनवरी माह में जो भी आप काम करोगे उसको आप रिकॉर्ड करके रख लोगे कि आपने एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किए। उस मैक्रो को फरवरी माह के शीट पर जब आप रन कर दोगे तो आपका जो भी फॉर्मूला है वो आपका फरवरी माह की शीट में अपने आप लग जाएगा और आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा कि फरवरी माह में आपने कितना खर्चा किया। यानी ये मैक्रोस आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। जो काम आपको बार बार करना है, डेली बेसिस पर करना है, उनको रोज़ करने की बजाय, रोज़ फार्मूला लिखने की बजाय, रोज़ पेपर की सेटिंग करने की बजाय, आप उनके मैक्रोस क्रिएट करके रख दो, ताकि जब भी आपको वो काम करना है आपको बार बार फार्मूला ना लिखना पड़े, आपको बार बार शीट में चेंजेस ना करने पड़े। आप सिर्फ मैक्रोस रन करो और आपका जो भी टास्क है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए। एंड मैक्रो इज एन एक्शन और अ सेट ऑफ एक्शंस दैट यू कैन रिकॉर्ड, गिव अ नेम, सेव एंड रन एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट एंड वेन एवर यू वॉन्ट। मैक्रो एक सेट ऑफ एक्शंस है या फिर एक एक्शन है। मतलब मैक्रो में आप एक एक्शन, नेक्स्ट व्हेन यू क्रिएट अ मैक्रो यू आर रिकॉर्डिंग योर माउस क्लिक्स एंड की स्ट्रोक्स। मतलब जब भी आप अपने मैक्रोस को क्रिएट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो आप अपने माउस से जो भी क्लिक्स परफॉर्म करते हो या कीबोर्ड से जो भी कीज प्रेस करते हो वो भी आपकी रिकॉर्ड होती हैं। बट एक चीज़ याद रखना कि जिस शीट के ऊपर आप अपने मैक्रोस को रिकॉर्ड कर रहे हो उसी शीट के ऊपर यदि आप कोई माउस क्लिक परफॉर्म करते हो या कीबोर्ड से कोई कीज प्रेस करते हो वही रिकॉर्ड होंगी। यदि आप किसी और शीट पर जाके माउस क्लिक्स करते हो या कीबोर्ड से कोई कीज प्रेस करते हो वो आपकी मैक्रोस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। आप विंडो स्विच करते हो या विंडो में किसी और चीज़ पर, किसी और ऐप पर, किसी और सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हो तो वो भी आपकी मैक्रोस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती हैं। एंड द लास्ट वन इज After you create a macro, you can edit it to make minor changes to the way it works. एक चीज़ और जो macros की है वो ये कि यदि आपने एक बार macros बना दिया तो ऐसा नहीं कि आप उसमें changes नहीं कर सकते। आपका task change होता है, उसको करने का way change होता है, तो आप macros को edit कर सकते हो और उसी according आपका फिर macro work करेगा जो उसमें आपने changes किए हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि मैक्रोस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और कैसे रन करते हैं। आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मैक्रोस को इतना इम्पॉर्टेंट टूल क्यों कहा जाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में और इसको यूज़ करने का क्या बेनिफिट होता है। ये मैंने जनवरी मंथ की एक्सपेंसिव शीट पहले से ही क्रिएट कर ली है, ऐसे ही ये फरवरी मंथ की एक्सपेंसिव शीट है और ये मार्च मंथ का खर्चा इस शीट पर मैंने सारा लिखी गया है। अब मैं जनवरी मंथ में यहाँ इस सेल में टोटल चेक करना चाहती हूँ कि जनवरी महीने में मेरा कितना खर्चा हुआ। ऐसे ही फरवरी मंथ का मैं टोटल चेक करना चाहती हूँ कि फरवरी माह में मैंने कितना खर्चा किया और मार्च में कितना खर्चा हुआ।
अब हर शीट पे अलग अलग फॉर्मूला लगाने से अच्छा है कि जनवरी शीट पर जब भी मैं टास्क परफॉर्म करूँ या जो भी टास्क परफॉर्म करूँ, जो भी फॉर्मूला लगाऊँ, उसके लिए हम मैक्रोस को रिकॉर्ड कर लें। तो चलिए देखते हैं कि मैक्रोस की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है और ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले तो मैं इस स्प्रेडशीट को सेव कर लेती हूँ, एक नेम दे देती हूँ, यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल एस। ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। आप कोई भी अपना ड्राइव फोल्डर जो आप चाहो वो चूज करके इसको सेव कर सकते हो। मैंने शीट का नेम दे दिया मंथ एक्सपेंसेस और फाइल को सेव कर दिया। अब फॉर्मूला लगाने से पहले हम मैक्रोस की रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मेन्यू बार में टूल्स टैब पर क्लिक करें। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा मैक्रोस, जैसे ही आप उसके ऊपर जाओगे एक और लिस्ट ओपन होगी, सबसे ऊपर ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये एक बॉक्स आप लोगों को नजर आएगा जिसमें दो ऑप्शंस दी हुई हैं, रिकॉर्ड मैक्रो एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड मैक्रो आपका ऑटोमेटिकली रन हो चुका है, आपकी इस शीट पर मैक्रोस की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन सब का सम करने का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू हाउस रेंट कौन से सेल में है, B3 प्लस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इन B4 प्लस मोबाइल रिचार्ज इन B5 प्लस मेडिसिन का खर्चा है B6 में। तो मैंने सारे सेल्स के नेम लिख लिए, बीच में प्लस का साइन डाल दिया, उसके बाद एंटर की को प्रेस कर दिया। तो ये मेरा टोटल खर्चा जनवरी महीने का आ चुका है कि जनवरी महीने में मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं, इस शीट को स्टाइलिश कर देते हैं, बोल्ड कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट कलर इसका, ये बैकग्राउंड कलर, जो भी आप स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हो, साथ में जो भी फॉर्मूलाज अप्लाई करना चाहते हो वो सारे आप इस शीट के ऊपर कर लीजिए। करने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कर दो। ये बेसिक मैक्रोज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अभी आपसे पूछ रहा है सेव मैक्रो इन, के मैक्रो आपको कहाँ पर सेव करना है, माई मैक्रोज, लिब्रे ऑफिस मैक्रोज या मंथ एक्सपेंसेस ODS। तो आप माई मैक्रोज में भी इसे सेव कर सकते हो। तो ये आपकी एक कॉमन लाइब्रेरी बन जाएगी, कॉमन फंक्शन बन जाएगा जिसे आप किसी भी शीट पर यूज कर सकते हो। चाहो तो जिस नेम से आपने फाइल सेव की है मंथ एक्सपेंसेस .ODS, इस शीट के अंदर भी इस मैक्रो को सेव कर सकते हो। तो हम इसी शीट के अंदर इस मैक्रो को सेव करते हैं। सबसे पहले न्यू लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू लाइब्रेरी पर क्लिक कर लें, लाइब्रेरी 1, ओके। अब प्लस के साइन पर क्लिक करोगे तो आपको लाइब्रेरी 1 नजर आ जाएगा लिखा हुआ। ये लाइब्रेरी 1 के अंदर मॉड्यूल 1 है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये मेन फंक्शन है जो मैक्रोज का आप लोगों को आएगा नजर। सबसे पहले हम इस मैक्रो को यहाँ पर सेव कर लेते हैं। मंथ एक्सपेंसेस का टोटल है ना, तो यही नेम रख देते हैं, मंथ एक्सपेंसेस टोटल। एक चीज याद रखना कि मैक्रो का नेम वही देना जो उसके टास्क को डिफाइन करे, मतलब जो कार्य आपने किया है उसी कार्य के नाम से मैक्रोज का नाम रखें, तो आपको मैक्रोज ढूंढने और उनको यूज करने इजी रहेंगे। तो आपको मैक्रोज को यूज करना आसान रहेगा, आप मैक्रोज को इजीली फाइंड आउट करके यूज कर सकते हो। यदि आप कोई और नेम दे दोगे तो आप बाद में भूल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मंथ एक्सपेंसेस के लिए कौन सा आपने मैक्रो क्रिएट किया था, आप फिर दोबारा मैक्रोज क्रिएट करोगे तो इट वेस्ट्स योर टाइम। तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना मैक्रो का नेम वही रखें जो उससे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। ये मैक्रो मेरा सेव हो चुका है। अब इसे फरवरी मंथ में जाके चेक करते हैं कि हमारा मैक्रो रन हुआ या नहीं। शीट 2 पे गए। अब यहाँ पर टोटल के लिए अगेन फॉर्मूला लगाने की बजाय मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैक्रो को रन करूँगी। मैक्रोज को रन करने के लिए अगेन मेन्यू बार में टूल्स मेन्यू पर क्लिक कर दें,
नीचे ऑप्शन है मैक्रोस, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे लिस्ट ओपन होगी, इसमें नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा रन मैक्रो, इस पर क्लिक कर दें। तो ये मैक्रो सिलेक्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से मैक्रोस को रन करना चाहते हो। हमने मैक्रो कहाँ सेव किया था, मंथ एक्सपेंसेस डॉट ओडीएस के अंडर, प्लस साइन पर क्लिक किया, लाइब्रेरी वन क्रिएट की थी, लाइब्रेरी वन पर क्लिक किया, इसके मॉड्यूल पर क्लिक किया। मॉड्यूल में अभी हमने कौन सा मैक्रो बनाया था, मंथ एक्सपेंसेस टोटल, इसको सेलेक्ट कर लें और रन बटन पर क्लिक कर दें। आपका मैक्रो रन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि टोटल आने के साथ साथ आपकी शीट भी वैसे ही कलरफुल और वैसे ही स्टाइलिश बन चुकी है जैसे कि आपने जनवरी मंथ की बनाई थी। तो मैक्रोस का क्या बेनिफिट रहा, एक तो आपको फॉर्मूला अगेन नहीं लगाना पड़ा, साथ में जैसे आपने जनवरी मंथ की शीट बनाई थी, जो कलर्स यूज़ किए थे, जो फॉर्मेट यूज़ किए थे, वो फॉर्मेट आपका एज इट इज़ फरवरी मंथ पर भी अप्लाई हो चुका है। देखा, मैक्रोस की वजह से आपको एक टास्क बार बार परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ मैक्रो को रन किया और बाकी सारा आपका काम अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। मैक्रोस को रन करने का एक और मेथड है यूजिंग द फॉर्म कंट्रोल। उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मेन्यू बार में व्यू मेन्यू पर क्लिक कर दें, उसके बाद टूल्स बार में आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा फॉर्म कंट्रोल्स, इस पर क्लिक कर दें। ये फॉर्म कंट्रोल आ चुका है, इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है पुश बटन का, इसको सेलेक्ट करके ये मैंने पुश बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब फॉर्म कंट्रोल में एक डिजाइन मोड है, इस डिजाइन मोड को आप ऑन भी कर सकते हो ऑफ भी। तो सबसे पहले हमें इस पुश बटन के साथ मैक्रो असाइन करना है। पुश बटन के ऊपर माउस ले जाएं और माउस का राइट बटन क्लिक कर दें। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा कंट्रोल प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँ मेरा मैक्रो रन हो जाए। उसके लिए इवेंट स्टेप पर जाना है और इवेंट कौन सा चूज करना है, माउस बटन प्रेस, यानी जैसे ही आप माउस से पुश बटन प्रेस करोगे आपका फरवरी मंथ वाली शीट के अंदर मैक्रो रन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ मैक्रो साइन करने के लिए थ्री पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इस पर क्लिक कर दें। असाइन मैक्रो, मैक्रो पर क्लिक करें, उसके बाद जो मैक्रो अभी हमने बनाया था उसको सेलेक्ट कर लें और ओके बटन पर क्लिक कर दें। अगेन क्लिक ऑन ओके और जनरल टैब में जाके यहाँ से आप पुश बटन का नेम चेंज कर सकते हो, देन क्रॉस बटन पर क्लिक कर दें। अब इस पुश बटन को रन करने के लिए, इस बटन पर क्लिक करने के लिए आपको इसका डिज़ाइन मोड ऑफ करना होगा। तो फॉर्म कंट्रोल में जो डिज़ाइन मोड है इस पर क्लिक कर दें, ये डिज़ाइन मोड ऑफ हो गया। अब आपका जो एक्सपेंसेस टोटल वाला बटन है ये वर्क करेगा। सबसे पहले हम इस टोटल को जो हमने मैक्रो के थ्रू रन किया था इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक्सपेंसेस टोटल वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही एक्सपेंसेस टोटल बटन पर हमने क्लिक किया हमारा मैक्रोस रन हो गया। तो मैक्रोस को आप टूल्स मेन्यू के थ्रू भी रन कर सकते हो या पुश बटन बना के भी रन कर सकते हो। एक और तरीका है मैक्रो को रन करने का कि जैसे ही आपको क्विक एक्सेस टूल बार्स में ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं आप अपने मैक्रो का ऑप्शन यहाँ पर भी ला सकते हो। अब हम मार्च मंथ वाली शीट में जो मैक्रो है उसको एज अ ऑप्शन यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए अगेन मेन्यू बार में व्यू मेन्यू पर क्लिक करें, टूल्स बार में आपको सबसे एक नीचे ऑप्शन नजर आएगा कस्टमाइज, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये कस्टमाइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। स्टैंडर्ड टूल बार के लिए टूल्स बार टैब पर क्लिक करें। कैटेगरी में ये ऑल कमांड्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसके साथ ये एक छोटा सा एरो का बटन है इस पर क्लिक कर दें। सबसे नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा मैक्रोज, इसके ऊपर क्लिक करें। अब हमने कौन सा मैक्रोज ऐड किया था, मंथ एक्सपेंसेस के अंदर मंथ एक्सपेंस टोटल, इसको सेलेक्ट कर लें और ये जो राइट एरो का बटन आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे मंथ एक्सपेंस टोटल का जो ये ऑप्शन है ये स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगा, बट यहाँ अभी आप लोगों को नजर नहीं आएगा। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे, ओके पर क्लिक करने के बाद ये मंथ एक्सपेंसेस टोटल, ये जो हमने अभी
स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर एक ऑप्शन ऐड किया था, वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अगेन योर मैक्रो विल रन, आपका मैक्रो रन हो जाएगा, आपकी शीट में टोटल परफॉर्म हो चुका है, पूरे की पूरी शीट की फॉर्मेटिंग हो चुकी है। फॉर्मेटिंग का मतलब इसका साइज, फॉन्ट साइज जो हमने चेंज किया था, या कलरिंग जो भी इसके अंदर चेंजेस की थी, वो बाय डिफॉल्ट इस शीट पर भी अप्लाई हो चुके हैं। अगर आप लोगों को अपना मंथ एक्सपेंस का ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार पर नजर ना आए, तो यहाँ पर ये दो एरोज आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करोगे तो भी आपको अपना ऑप्शन नजर आ जाएगा। मैक्रोज बनाते हुए एक चीज याद रखना कि आपको मैक्रोज को यूज कहाँ करना है। यदि आपको सिर्फ करंट वर्कबुक में ही अपने मैक्रोज को रन करना है, तो आप उसे शीट के अंदर ही सेव करें, शीट से रिलेटेड ही मैक्रोज के अंदर सेव करें। और यदि आप किसी और वर्कबुक में भी अपने मैक्रोज को रन करना चाहते हो, तो उन मैक्रोज को या तो माई मैक्रोज में या फिर लिब्रे ऑफिस मैक्रोज के अंदर सेव करें। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान है मैक्रोज को रिकॉर्ड करके रन करना। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्रोज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे रन करते हैं, साथ के साथ मैक्रोज को रन करने के डिफरेंट वेज। फर्स्ट, यूजिंग द टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू में मैक्रोज पर, रन मैक्रो पर जब आप क्लिक करोगे तो भी आप अपने मैक्रो को रन कर सकते हो। सेकेंड मेथड था यूजिंग द पुश बटन। व्यू मेन्यू में, टूल्स बार में, फॉर्म कंट्रोल्स के जरिए आपने पुश बटन को ऐड किया और इस बटन के इवेंट को मैक्रो के साथ अटैच कर दिया। थर्ड जो मेथड बताया वो था एडिंग द ऑप्शन इन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो आप, जरूरी नहीं है कि आप इस ऑप्शन को स्टैंडर्ड टूल बार में ही ऐड कर सकते हो, आप ऊपर जितने भी ये मेन्यूज आप लोगों को नजर आ रहे हैं, आप इनके अंदर भी इस ऑप्शन को, इस टूल को ऐड करके अपने मैक्रोस को रन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैक्रोस को कोडिंग के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे रन करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आपको नेक्स्ट टॉपिक भी तभी समझ में आएगा जब आज का आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।